الرحمن الرحيم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم असलकुम नाजरीन नाइन न्यूज़ चैनल की स्पेशल सहर ट्रांसमिशन के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद महमान रजा आज अठारह रमजानमबारक और सहरी के ये खूबसूरत पुरकैफ़ नूरानी लम्हा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और हमारे साथ शामिल गुफ्तु होते हैं हमारे माजेज मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब आज अठारह मुबारक इस कायनात के इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती हमारे आको मौला सल्ही वसल्लम और आपके वालिद गिरामी सैद्बल् बिन अब्दुलब रज़ीम आपके तजकार पाक होंगे और सैदा अब्दा बिन आब्दुलतलब रज़ी वल्लम वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिन्हें हमारे आका मौला सल्व वसम के वालद गिरामी का होने का शर्फ़ हासिल है और नबी करीम सालद गामी की आज़मत और शान और रिफायत और मक़ाम इससे बढ़ कर क्या होगा कि आप यानी सदा अब्दुल्ल बिन आब्दालमतलब अल्लाम वदमा इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती इमामुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल सैदा वल आखिरीन इस कायनात में अल्लाह तआला के बाद सबसे बज़र्गो बरतर सबसे अफज़ल सबसे बरतर से बाला हस्ती यानी मेरे आपके हम सब के व मौला सल्ल वसल्लम के वालद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब रज़ील्नुम हैं वालिद की अजमत और शान बहुत बुलंद है और वो अजमत है वो शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है तो वो हस्ती जो वालद का जिसको मकाम हासिल हो उसकी ऱा में अल्लाह की ऱा हो उसकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी हो ये एक आम वालिद का मकाम मर्तबा ये है तो फिर नबी करीम रौफ़रहीम अ सलातलीम जो कायनात के सरदार हैं तमाम मखलूक़ात के सरदार हैं उनके वालिद गिरामी की अजमत शान मकाम रिफत और मर्तबा क्या होगा नाजरीन मुबारक की ये दूसरा अशर अपने अख्ताम की जानब बढ़ रहा है और ये मगफ़रत का अशर है अल्लाह यहाँ सुल से बख्शिश तलब करने का अशर है इस अशर मुबारका में जहाँ हम इबादत भी सर अंजाम दे रहे हैं हकूक़ल्ला पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं हमारी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हम हकूक इबाद भी पूरे करें और खूस आज का मौजू जो है उसमें नबी महतम सल्वालसल्मा के वालद ग्रामी के ख़ूबसूरत अजकार पाक होंगे तो इस हवाले से इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वालिद की अज़मत और मकाम क्या है इबाद में हकीकत में सबसे बढ़कर और सबसे पहला हक वालिदैन ही का है और वालिदैन में अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा है कि अगर ये दरवाज़ा न खुले तो फिर जन्नत भी न मिले तो इस हवाले से आज बिन सद्न्ाँब्दुल्ल बब्दुलतलब रज़ील वसलम आपके खूबसूरत तजकार पाक के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब जी मुफ्ती साहिब सदना अब्दुल्ल् बिन आब्दुलतलब रज़ीलम आपका मक़ाम बहुत बुलंद है और वालद ग्रामी की हैसियत से भी आपका मक़ाम नबी करीम सल्ल व के वालद ग्रामी हैं तो आप का इब्तदाई तारफ़ आपका ख़ानदानी पस मंजर और आपका ख़ानदान जो कुरैश भी है बनो हाशिम भी है उसकी अज़मत और शान और रिफात के हवाले से हमारे नाजरीन तक अहम जो बातें हैं वो आप बहम पहुँचा दीजिए बहुत शुक्रिया बसमील मसल वबारिक अई दिन व मौलाना महमद माला सई व मौलाना महमद मादिनजूद वालकरम वाला आलि वसहब वबारक वसलम बहुत शुक्रिया आज अठारह रमजान रमज़ानमबारक है जी। और जिक्र पाक है उस अजीम हस्ती का जिनको अल्लाह तबारकवा वाली ने क्रैश में एक अली मकाम और मनसब पर फायज़ फरमाया हज़रत सीदुना अब्दुल्ला बिन अब्दुलतलब रदी अल्लाह का शुमार उन जरील हस्तियों में होता है जिन्हें अल्लाह तबारकवा वाली ने ज़ाहरी बातें दुनियावी और उखरवी तमाम एजाजा और नहमतों से माला मालन बेशक आपकी सीरत तयबा के दो पहलू हैं। जी पहले पहलू में तो आप वरावरा वरा जिसपे कलाम भी नहीं किया जा सकता कि आप हजरत मोहम्मद अरबी इमाम के इससे बड़ा और मनसब दुनिया में और कहीं नहीं कोई और शर्फ नहीं, नहीं पा सकता जो इज्जत जो वक़ार जो शर्फ आपका अल्लाह तबारा का वात ने आपको दिया है आप हजूर के वालद ग्रामी है ये नमत उजमा किसी को नसीब नहीं हो सकती दुनिया में अजीम से अजीम तर अजीम से अजीम तरीन बाप भी आ जाए तो सरकारी दो आलम के वालद मोहतरम के मकाम और मरतबा को नहीं पहुँच सकते बेशक, बेशक। और आपकी शख्सियत का जो दूसरा पहलू है वो अपने ताती खसाइल और साफ हैं तो उनको अगर देखा जाए तो आप उसमें यकता हैं बेमिसाल है। आज हम जितनी गुफ्तगु करेंगे यक़ीन उसमें ये उन सर भी मौजूद होगा कि आप सरकार दोआलम सल अल्लाह वालम के वालद मोहतरम हैं मगर ये हकीकत है कि अल्लाह बारक ने आपको अदा किए थे वो भी बेपना है आप इसमें अब्दुल्ला। जी। और आपकी जो कुत है वो काफ दो वालों के साथ जिसका माना होता है खैर बरकत वाले सुबह खैर बरकत तकसीम करने वाले Allah. और आपके जो अलकाबात है उनमे से एक मशहूर लकब जबी और दूसरा जो है वो यूसुफ अलकाबात आपके तारीख की मशहूर है आपके वालद मोहतरम हुजूर के जो दादा जान हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप कुरश के सरदार खाना काबा के कलीदार खाना काबा के मतवली और खाना के वारिस थे अल्लाह तरदारी इज्जत और वकार के तमाम इम्तियाजा आपके वालदी हजरत सैदनाब को अता फरमाए आपकी वालदा का नाम हजरत फातिमा बिनते आप हजरत फातिमा के बतने से पैदा होने वाले सबसे छोटे बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला नबी करीमलाम के वाले होने की हैसियत देखें यह अपनी जिंदगी की हैसियत देखें तो दोनों इम्तियाजात से माला माल थे हजरत अब्दुल अब्दुलमतब के दस बेटे थे जी उन दस बेटों में जो हुसन जमाल जो अक्लमंदी दो दानश जो उन्होंने अल्लाह का वताल ने हजरत अब्दुल्ला को अता की वो और बेटों को अता नहीं की हज़रत अब्दुल्ला बचपन से इंतहाई वजी इंतहाई खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत शक्ल के मालिक यही वजह है कि जो भी उनको देखता था तो खूशी तौर तो पर रात के वक़्त जब आप चलते थे तो आपके हुसन व जमाल की बदौलत आगे और पीछे अंधेरा जहाँ जहाँ होता वहाँ पे नूर चमक उठता रोशनी फैल रोशनी फैल जाती थी, थी कि रब करीम ने आपको ऐसी नूर ना ऐसी नुरानीयत और निकाहता ताफरमाया हजरत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लाम के वालद मोहतरम इतनी अजीम हस्ती थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला कभी Allah. किसी की दिल आजारी नहीं की हुँ. किताबों में लिखा है तारीख में लिखा है कि जब बोलते थे तो उनकी जुबान से फूल झड़ते थे ऐसे Allah. बोलते थे कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की और अल्लाह तबारा का वाली ने बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ा से उनको नवाज़ा था खुश अखलाक खुश करदार जब आपकी विलादत होती है जी तो उस पर भी बड़े बे बेपनाह सीरत के अंदर वाकियात मौजूद हैं जी कि यहूदियों को अंदाजा हो गया था किब मक्करमा यह जो उमुल बलद है तमाम शहरों का सरदार है माँ जो है वो मक्का मुकरमा की सरजमी है उस पर एक ऐसी शख्सियत पैदा होने वाली है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लाम के वालद गरामी होंगे तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ पढ़ा था कि उनकी एक अलामत ये होगी कि जब हज़रत सलाम शहीद हुए थे तो उनके जितम अतर पर जो जुबा था उस पर हज़रत यही के खून के चंद कतरे लगे हुए थे और यहूदियों का ईमान था कि जिस दिन ये कतरे दोबारा ताज़ा हो जाएंगे उस दिन नबी आखिर इमामबिया हज़रत महमदरबी सल्हुसम के वालद गरामी पैदा होंगे सुबह अब वो जो कुर्ता था नसल दर नसल नसल दर नसल चलता चलाता मक्तुलमकरमा के यहूदियों के पास पहुँच चुका था उनकी तमाम कुतुब तो यही बता रही थी कि जब हज़ूर के वालद की विलादत होगी तो उस पर यही आसार रूनुमा होंगे जिस दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुलमतलब की विलादत होती है तो यहूद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी किताबों पर भी उनका यकीन बढ़ जाता है और वो जमा होकर एक दूसरे को बताते हैं कि हमारी किताबों में जो लिखा था आज हज़रत यहाँ के कुर्ते के वो दाग वो धब्बे ताज़ा हो गए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद अरबी सल्ला वसल्लम के वालद ग्रामी पैदा हो चुके सुबह अब उन्होंने परेशानी में डूब गए क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तहो किसी आम खानदान में पैदा नहीं हुए किसी मुफलिस ख़ानदान में पैदा नहीं हुए बल्कि उस अजीमरतबत ख़ानदान में पैदा हुए कि जिस खानदान को अल्लाह ने क़ाबतुल्लाह की मतवलीत अता करके अरब के सरदारों में शुमार किया था सुबह अब हज़रत अब्दुल अब्दुलमतलब रजियल्ल् तक पहुँचना उनके घर तक पहुँचना उनकी इन्वेस्टिगेशन करना कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है ये बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक सरदार थे और एक काबा के मुतवली थे कलीद बरदार थे काबा के वज़ी ख़ज़ाना थे तमाम अमूर के जो है वो तमाम उमूर के मालिक थे तो उनसे बाज पुस करना कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है ये मुमकिन नहीं था लिहाजा वो इसी कश्मश में रहे और मज़ीद निशानियाँ तुलू होती चली गई वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे अल्लाह की तिकमत ये थी कि कोई भी हजरत अब्दुल्ला रदील्ल् तुको गजंद नहीं पहुँचा सकेगा तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेगा तो लिहाजा वो कोशिश करते चले गए कि हम किसी तरीके के साथ हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँच जाएं लेकिन वो हजरत अब्दुल्ला रदी तक नहीं, नहीं पहुँच पाए महा यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात और भी ऐड करता चलूँ इब्तदाई तारफ़ में कि जब हज़रत अब्दुल्ला बचपन में थे तो आपकी आदात और अतवार जो थी वो आम बच्चों से हट कर थी ठीक। आप के बारे में बहुत सारी ख़वात बहुत सारे लोग आपके अहल खाना को घर वालों को आकर बताते थे कि आप को गैर मामूली इंसान है आप कोई बाक़माल शख्सियत बनने वाले हैं कि आपके ऊपर जो असरात होते थे आपके ऊपर जो एक बादल साया कभी कर रहे हैं कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो ये निशानियाँ बताती थी कि आप अजीम हस्ती हैं सुबह अब मश्रकिन मक् जो तैयारी किए बैठे थे अब बचपन एक सरदार के बेटे का बचपन तो अपने घर में गुजरा इंतहाई ऐश वशरत से गुजरा इंतहाई सुकून से गुजरा अब उस बच्चे को तो वो तकलीफ़ नहीं दे सकते थे लेकिन उन्होंने एक दिन फैसला किया कि जब लड़कपन में आप पहुंचे हुस्न व जमाल के वो मरस व मुरक्कब थे हुस्न व जमाल के वो मम्बा मसदर थे कि जिस जिस तरफ भी जाते लोग वरताए हैरत में डूब जाते कि इतना रब ने आपको हुस्न व जमाल अदा किया यहूदियों ने सत्तर लोगों को तैयार किया उनके हाथों में तीर दिए कि तुम मक्का के शहर के इर्द गिर्द जो है बैठ जाओ और जब अब्दुल्ला निकलें तो इन्हें कत्ल कर देना है माज़ल्ला अस्तफरल और उनकी उनकी ये ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी जो तशरीफ़ लाने वाले हैं जब हम उनके वालद मोहतरम को कत्ल कर देंगे तो वो दोबारा इस वो इस ज़मीन पर तशरीफ़ नहीं ला सकें माज़ल्लम कई दिन तक मुहासरा जारी रहा वो लोग सारा दिन मक्का मुकरमा के बाहर झाड़ियों में गुजारते और रात को जाकर गारों में आराम करते सो जाते मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुख्तलिफ इलाकों के यहूद जो थे वो जमा थे बड़े अरसे के बाद एक दिन हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ निकले शहर के बाहर निकले तो उन्होंने आपको पकड़ लिया और उन्होंने फैसला किया कि आज अब्दुल्ला हमारे हाथ में आ गए हैं तो आज दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं छुड़ा सकती लेकिन अल्लाह तबारा का वताल की हमत तो कुछ और थी मशीत इलाही कुछ और चाह रही थी तो हज़रत अब्दुल्ला जंगल में जब गए तो ये लोग इकट्ठे हो गए पकड़ लिया आपको जब पकड़ा तो कहा अब्दुल्ला अब बताओ आज तुम्हें कौन इससे छुड़ा सकता है इबन इसहाक इस बात की रिवायत करते हुए कहते हैं जी। कि हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया मुझे मुझे अगर छुड़ाएगा तो परवरदिगार छुड़ाएगा मेरा रब छुड़ाएगा वही मेरा मुश्किल कुशा है वही मेरा हाजत रवा है सुभान तो, तो फरमाते हैं कि जब उन्होंने पकड़ा तो आसमान से घोड़ों पर सवार सफेद रीछ और सफेद लिबास लोगों की एक जमात जो है वो उतरी घोड़ों पर वो लोग सवार थे और उन्होंने यहूद का मिलिया मेट कर दिया खत्म कर दिया और हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे छुड़ा दिया ज अब्दुल्ल फरमाते हैं ये पहला दिन था कि मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह तबारा का वाले मुझसे कोई अहम काम लेने वाला है सुबह अल्लाह और मुफ्ती साहिब, ये अजमत ये शान है सैद्बल् बिन अब्दुल तलब रजी अल्लाह की और ये वाक़ ये जो जूदियों ने हमला किया और फिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया और वह फरिश्तों की या रिजालब जो भी अल्लाह की मखलूक हिफाजत के लिए उतरी तो इस वाक़ को हज़रत वाहबिन मम्बा रजी रजीन वो भी रिवायात में आता है कि वो मुलाजा फरमा रहे थे वो भी देख रहे थे जी 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 इसी वजह से फिर बाद में जब सदनाब रजी ने रिश्ता तय करने के लिए तलाश शुरू की तो उन्होंने भी ये वाक बयान किया और इस वाक़ की वजह से वो वो खुद खुद इसमें जी बिल्कुल बहुत ख्वाहिशमंदी इस वाक्य को कमाल को देखने के बाद कि मेरी बेटी का रिश्ता अब्दुल अब्दुलम के बेटे जनाब अब्दुल्ला से हो जाए सुबहानल्ला नाजरीन ये अजमत ये रिफत ये मक़ाम ये शान है नबी महतशम सल्ही वाल वसलम के वालद कराम ही जनाब सदना अब्दुल्ला बिन आब्दलतलब रज़ी की आपकी अजमत आपकी शान रफ़ायत के दीगर जो हवाले हैं उन पर भी गुफ्तगु होगी अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है ब्रेक की जानब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी ख़िदमत में हाजिर होंगे हमारे साथ रहिएगा के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं नाइन न्यूज़ चैनल स्पेशल शहर ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मीज़बान मोहम्मद रज़ा आज अठारह रमज़ान मुबारक शहरी के इनपुर कैफ बाबरकत मगफ़िरत भरे लम्हात में सदना अब्दुल्ल रज़ी नबी महतम सल्ल के वालिद ग्रामी आपकीमत और शान के खूबसूरत और मुबारक तस्करे हो रहे हैं वालदे की अज़मत और शान बहुत बुलंद है कुरान मजब फ्रकान हमीद में कई मकाम पर यह फरमाया गया व बिलवालदी नेहसाना अपने वाले के साथ एहसान करो और सराय बनी इसराइल में तो यूँ भी शाह फरमाया कि इमां यबल इन दल की बारा आहदु हम अवकी ला हम फ़लातुल्लामा उफ़ीम वला तन हर हमा वक़ुल्लामा कअन करीमा कि अगर तुम्हारे वालदे में से दोनों या एक बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाएँ तो फिर उनके आगे तुम उफ तक भी ना कहो और उन्हें झिड़को भी मत और उनके लिए कौल करीम बहुत अदब एहतराम तकरीम के साथ उनके साथ बात करो हत्या के नबीर वसल्लम और फिर आपके तशद्द से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि वक्फिद लहुमा मिन लहम् जना हजुल्लिबिन्रम वुरबरुमा कमा रब्बा सग़ीरा के अपने वालिदैन के लिए अपने नरम दिली के बाजू बिछाए रखो और इनके लिए यूँ अल्लाह की बारगाह में दुआ रहमत करो यूँ अर्ज़ करो क्या हमारे रब तो इन दोनों पर रहमत फरमा जैसा कि बचपन में इन दोनों ने मुझे पाला मुझ पर शफ़कत फरमाई तो यूँ वालदान की अज़मत जो है वो बहुत बुलंद है वालदान की रज़ा में अल्लाह की रजा वालद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा वाल की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी तो ये मकाम है वालदेन का ये अजमत ये शान ये यफ़ात है वालदान की तो फिर नबी महतशम सल्ला वसलम के वालद के रामी सैद्न्ब्दा रज़ी आपकी आज़मत आपकी शान क्या होगी कि आप को अल्लाह आपको अल्ला ने उस नूर मुकदस से नवाजा आपकी पुशत मुबारका में कि जो लक़द जकुमिन हैं कि जो इस कायन की रोशनी है और जो सिराजम मुनीरा हैं जिनको अल्लाह अल्ला ने वो रोशन सूरज इर्शाद फरमाया कि जो खुद तो रोशन हैं जो इस कायन को भी रोशन फरमा रहे हैं ना सिर्फ जाहिर को बल्कि बातिन को भी रोशन फरमा देते हैं यानी नबी करीम सल्हु वम तो उस सराज मुनर का जो अक्स है जो परतो है और वो जो नूर बिन सैदुन्ब्दुल्ल बब्दुलतलब रज़ीलुम की पुशत मुबारका में था उसका फिर उसकी फिर क्या शान होगी क्या आज़मत क्या मक़ाम होगा कि सदानदल्ह बिन अब्दुलब रज़ील्मा आपकी जवानी वो बहुत शानदार और हसन व जमाल वो बहुत आला आपके फ़जाइल मनाकब बहुत आला और फिर मुफ्ती साहिब भी इस पर बात करेंगे रोशनी डालेंगे कि आपकी आयन जवानी में ख़वान जो हैं वो आपसे निकाह की तलब गार रहती फिर आपका निकाह कैसे हुआ जवानी के आपके हालात और वाक़ात जो हैं और फिर वो हमारे लिए भी हैं वो क्या हैं मैं यही पूछना चाहूँगा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब आपसे कि सईदल बिन आब्दुलमतलब रज़ीलम आपकी आन जवानी के हालात वाक़ात और फिर आपके फ़ज़ाइल और मनाकब क्या हैं हज़रत सईदना शर्मो के पैकर थे पैकर थे आपकी पेशानी से नूर नबूत झलकता हुआ नजर आता था जब आप कहीं जाते तो आपके सामने दरख्त सरब सुजूद हो जाते थे Allah उस नूर नबी स मुशाह करते

नूर मुझ तमे होकर एक बादल बन जाता है और वो मुझ पर साया करता है फिर वह आप फरमाते हैं कि अब्बा जान मैं किसी दरख्त खुश्क दरख्त के नीचे बैठता हूँ आराम करने के लिए थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठता हूँ तो उस खुश्क दरख्त पर पत्ते लग जाते हैं मुझ पर हरा भरा होकर मुझ पर साया फिगन हो जाता है आप इशाद फरमाते हैं कि फिर वो जो मेरे पुष्ट से नूर निकलता है वो आसमानों पे फैल जाता है और आसमानों पे जाकर दोबारा जब आता है तो फिर वो मेरी पुष्ट में

जे, जे जे जो मोहब्बतें ये हुसन जमाल नबी क़रीम अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक मौजूद था तो क्यों न उनकी इज्जत व तकरीम की जाती कि वो दर हकीकत ज़मीन पर अल्लाह की एक तजल्ली थे अल्लाह तबारा का वाली के महबूब खास महबूब नबी आखिर उस ज़मान नबी के वालद मोहतरम थे इसलिए जहाँ भी जाते और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके हुसन जमाल से मरवूब खुत का जी तो इसमें एक लंबी तफसील मौजूद है जी कि खातिन जो हैं आपके हुसन ज़माल को देखती तो आप उनके लिए घर में रिश्ते भिजवा देती थी आप एक शर्मो हया के पैकर थे कई खुतिन ने आपको रस्ते में रोककर घर में भुलाया और शादी की पेशकश की मगर आप हमेशा इज्जत के साथ तक्रीम के साथ जवाब देते सिर्फ एक बात में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ की हजरत अब्दुल को एक दिन आप अर्ज़ करते हैं अपने वालद ग्रामी को कि मैं एक दफ़ा मक्का मुकरमा की एक गली से गुज़र रहा था तो एक मकान से एक खातून निकली जी। एक लौंडी निकली और मुझे बुलाया कि हमारी मालिकन आपको बुला रही है हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं चला गया कि कोई बुजुर्ग खातून मुझे बुला रही हैं फरमाते हैं कि जब मैं गया तो वो ख़ातून एक कमरे की छत के ऊपर बैठी हुई थी एक उनके ऊपर साइबान लगा हुआ था और मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो उनके सामने खुली हुई थी।, थी मैं जब उस खातून के सामने पहुंचा तो उस खातून ने मुझे कहा अब्दुल्ला मैंने आपसे एक बात करनी है जी। मैंने पूछा कौन सी बात है तो वो कहने लगी मुझे आपसे शादी करनी है क्या तुम शादी के लिए तैयार हो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं अपनी रिवायात का पासदार हूँ अपनी रिवायात का अमीन हूँ और मैं क्रैश के सरदार का बेटा हूँ मैं कोई ऐसा फ़ैसला ज़ाती तौर पर नहीं कर सकता जो हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ हो मेरे वालद ग्रामी हज़रत अब्दुलमतली इसका फ़ैसला करेंगे फरमाते हैं कि मैं पीछे मुड़ाया, चंद अरसे के बाद एक कुछ अर्से के बाद जो है चंद दिनों के बाद दोबारा मैं वहीं से गुज़रा तो मेरी उसी मकान के करीब मुलाकात उसी लोंडी से हुई और उसने मुझे कहा कि हमारी मालिकन आपको बुला रही हैं जी। जब मैं वहां पहुंचा दोबारा तो उस मालिकन ने मेरी तरफ पीठ कर ली कहा कि अय अब्दुल्ला अगर आज आप मुझसे शादी करना चाहें भी तो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता ठीक है तो हैरान हो गए आपने फरमाया मैंने आपसे कब कहा है कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या आप मुझसे शादी करें जी। मैंने तो कोई आपसे मुतालबा नहीं किया एक बात और दूसरी बात यह है कि आज आपका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ है आप मेरी तरफ पीट करके कह रही हैं कि आप चाहे भी तो मैं शादी नहीं करना चाहती इसके अंदर क्या राज है उस औरत ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि अये अब्दुल्ला याद रखें मैं पहले दिन जब मैंने आपको बुलाकर शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था तो तब भी मैं इसलिए आपसे शादी नहीं कर रही थी कि आप इनतहाई खूबसूरत हैं इनतहाई हसीन व जमील हैं या अब्दुल मुत्तलिब सरदार के बेटे हैं मैं उस वक़्त आपसे इसलिए शादी कर रही थी कि आपकी पेशानी में एक नूर चमकता है और मेरी किताबों में लिखा है जबूर इंजील में लिखा और सहाइफ में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम का जो नूर होगा उनके वालद ग्रामी की पेशानी में चमकता हुआ नजर आया और सुछान कहा आज जो मैंने आपको बुलाया और मैंने शादी का इनकार किया वो आपकी दिल आज़ारी के लिए नहीं बल्कि मैंने देख लिया है कि वो नूर आपसे चला गया और अपनी माँ के रह में मुंतकिल हो गया है मैं आपको अपनी हकीक़त और किताबों का जो इल्म है वो बताना चाहती हूँ कि आप एक गैरमूली शख्सियत के हामिल इंसान हैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताली अन हो उस वक्त हैरान हो गए क्योंकि आपकी वाकई शादी हो चुकी थी हजरत सैयद आमिना रदी अल्लाह तहाजूर की वाल माज़दा जो हैं आपसे शादी हो चुकी थी तो आप हैरान है हो गए और आपका वो यकीन जो मुख्तलिफ़ अल्लाह के अनवार तजलियात देख आपके दिल में एक यकीन बन चुका था कि अल्लाह तबारा का वताली मेरी नस्ल से आखिरी नबी पैदा फ़रमाएंगे तो वो कामिलियत को पहुँच गया कि वाकई ये औरत जो किताबें आसमानी किताबें पढ़कर बता रही है मुझसे शादी की भी ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी आज शादी से इनकार कर रही है तो वाकई अल्लाह करीब मेरी सुलब से जो है अल्लाह तबारा का वताल एक आखिरी नबी पैदा करने वाला है तो फिर यूँ ही हुआ कि नबी करीम तो के वालद ग्रामी के एजाज से मुशर्रफ हुए सुबहानल्ला साहिब नबी महतम सल्हीसल्मा के वालद ग्रामी के आप हुसन जमाल और फिर वह नूर महमदी सल्लम जो आपके पेशानी में चमकता था उसके खूबसूरत और मुबारक तजकर बयान फरमा रहे हैं सदा आमीना बिनते वहब रज़ीम उनसे भी फिर आपका अकद हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जो नूर है वो आपकी फिर पुश्त अतहर से आमिना पाक सल्लल्लाहु अलैहा के सुल्बे अतहर में मुंतकिल हुआ।, हुआ और ये वो अज़मत वाली हस्ती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और फिर आपके आबा अजदाद कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया

मुख्तलिफ पेशानियों में मुंतकिल करता हुआ हजरत आदमी से इब्राहिम से मुंतकिल होता हुआ ये पेशानियों में नबी करीम तक पहुंचा तो इसी तरीके के साथ हजरत अब्दुल्ला खुद इरशाद भी फरमाते हैं कि मैं दो हूँ का बेटा तो ये बात भी इसी तरफ जाती है इसी तरह इशारा करती है कि हज़रत इस्माइल आलाम सलाम और इसी तरह नबी के नबी करीम सलाम जबील इनका लकब है इनका भी और हज़रत इसमाइल सलाम का भी तो हजूर आलाम का ये फरमाना कि मैं दो जबीहों का बेटा हूँ इन दोनों की तरफ इशारा है एक बात दूसरा जो आपने सवाल किया वो भी यही है कि अल्लाह ऐसे व किया कि हजरत इसमाईल सलाम और हजरत अब्दुल्ला का अगर उम्र का दौरानिया देखिए तो हजारों साल, साल बनते हैं कई सौ साल बनते हैं तो अल्लाह तबारक ने इस नूर पाक को हमेशा पाक पुश्तू और पाक नस्लों से मुंतकिल करके अल्लाह अल्ला, अल्ला, तबारा का ने हजरत अब्दुल्ला तक पहुँचाया तो इससे इस मालूम होता है कि अल्लाह तला ने इस नूर को जहाँ भी रखा खास जगह पे रखा पाक दिल में रखा पाक पेशानी में रखा सजदा पाक गुजारों में और उनमें कोई मुशरक नहीं हो सकता बेश अमूमी तौर पर यह भी तासर होता है कि हज़ूर के वाले के बारे में कहा जाता है माजल्लाफर के वो अहल ईमान नहीं थे वो तो, दीन दीन पर थे। तो ये एक गलत फहमी है जी। बहुत बड़ी कि जो हस्ती नबी करीम सल्म जो हस्ती के वालद ग्रामी हों जिनसे आखिर उस ज़मा पैगम्बर पैदा हूँ यहाँ तो एक वली तब वली बनता है जब उसके वालदे की गिरिया हो गिरिया जारी हो हो इबादत और तो तो रियाजत तो हो। उनकी दुआएं उनकी अच्छी तालीम मर्तबा क्या होगा तबारक तो तआला ने इस नूर पाक की खुद हिफाजत फरमाई है और मुशरिकों से बचा बचा के अल्लाह तबारक ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तक पहुंचाया और यहां मैं ये भी अर्ज करूँ कि हुजूर नबी करीम वसल्लम अपने वालद ग्रामी के बारे में जब भी इर्शात फरमाते थे बड़े बड़ी ख़ूबसूरत बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाते बे थे बे शक, बे शक। तो अपनी वालदेन की और अपनी वालदा माजिदा की जो तज़ीम बजा लाते थे वालद ग्रामी की तो आपका तज़ीम बजा बजा लाना भी हमारे लिए इंतहाई इम्तियाज़ी हैसियत रखता है सुबह अल्लाह मुफ्ती साहिब सईद अब्दुल्ला रज़ी चूँकि आपका आकद जो है सैद आमिना पाक अलैहा से हुआ और सद आमना बिन तबाह रज़ी ये मदीना तो बात से ताल्लुक रखती हैं तो फिर सैद्न्ब्दुल्ला अब, रजी इन का जो ससुराल कह लीजिए सद आमना पाक अलैहा का मेका जो है वो मदीना तोयबा में है तो मदीना तोयब भी सदन रजी आपकी तशरीफ़ आवरी रहती तो यूँ फिर सईदुना अब्दुल्ल रज़ी चूँकि नबी क़रीम करीमल्ल वसम की विलादत बदत से पहले विसाल फरमा गए तो आपके ये लम्हात और फिर ये सफ़र और फिर मदीना तयबा तो की तरफ तशरीफ़ लाना इनको भी अगर हमारे नाजरीन तक आप पहुँचा दीजिए और नबी करीमल वालदान के आपस में जो महब्बत का रिश्ता है उस पर और फिर आज के हमारे नौजवान नस्ल के लिए आज औलाद के लिए इनकी सीरत और किरदार से क्या पैगाम है देखिए नबी करीम और, के और दिहाल की आपस में मोहब्बतों और रफाकतों की एक तवील दास्तान मौजूद बे है बेशक। कि किस तरीके के साथ और अगर दोनों के खानदानों को हम देखें तो ये जब कुरैश खानदान दोनों आगे चलते हैं जी। दोनों आगे बढ़ते हैं एक तो है हजरत अब्दुल अब्दुलमिब का खानदान एक है हजरत का खानदान यानी हजरत सैदा आमिना सलाम्ल हुजूर की वालदा माजिदा का खानदान एक हैदे गरामी का खानदान ये दोनों खानदान जू ही ऊपर जाते हैं तो जा के अरब में एक जगह पे जाके दोनों का जो इतना है दोनों की जो हैं, वो बेमिसाल है। मैं यहाँ पे एक अहम वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो हुजूर नबी करीम के दादा जी के साथ पेश आया कि किस तरीके के साथ अल्लाह तला ने हज़रत मोहम्मद अरबी के वाली की हिफाजत फरमाई और कुदरत जो है किस तरीके के साथ हजरत अब्दुलमिब ने मन्नत मानी अख्तिस के साथ मैज करता हूँ वक्त भी अख्ताम पजीर होने वाला है जी कि या अल्लाह मुझे दस बेटे अता कर तो मैं एक तेरी राह में कुरबान करूँ अल्लाह अल्ला। अल्ला ने दस बेटे अता किए तो अब एक बेटे को उन्होंने फैसला किया कुरदाजी के जरिए कि हज़रत अब का नाम निकला कुरा, ठीक है कि इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है तो फिर जब कुरैश को पता चला कि इतना साहेब वजी शख्स इतना खूबसूरत नौजवान और अब्दुल कुर्बान करने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता आप किसी और बेटे को कुर्बान कुर्बान कर दें हम इनको कुर्बान नहीं होने देंगे जी फिर क्या होता है एक अक्लमंद के पास हजरत अब्दुल मुतलिब को ले जाया जाता है कि इनसे फैसला करवाते हैं कि, कि किसी तरीके के साथ अब्दुल्ला को बचाया जाए तो वो सब लोग एक किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो पुरानी किताबों का आमिल है मानने वाला है जानने वाला है आलिम है तो उसने ये तरीका बताया कि आप यूं करें कि एक तरफ दस ऊँट एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रख दें कुरंदाजी करें अगर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो दस ऊँट और बढ़ा दें अल्लाह अगर फिर कुरानदाजी करें सहीदा अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो दस ऊँट और बढ़ा दे, अगर तो और बढ़ा दे। जी इस तरह कुरानदाजी की गई तो दस बीस तीस जब सौ ऊंट का नाम आया तो फिर हजरत अब्दुल्ला की बजाय सौ ऊँट का

वो वाक़ भी मैं ज़रूर अपने नाजरिन तक पहुँचाना चाहूँगा के सदना की आज़मत और शान भी इससे हमें पता चलती है कि अम्बिया मसलिनत तस्लीम और नेक साल शुहदा ये अपनी ख़बरों में आज भी हयात हैं जिंदा हैं कि उन्नीस सौ चौहत्तर या गालिबा उन्नीस सौ अठहत्तर में जब चूँकि सैदुब्ल रज़ी इनका वाल मदीना तोयबा में हुआ तो उन्नीस सौ चौहत्तर या उन्नीस सौ अठहत्तर में ालिबा मदीना तोयबा में जब मस्जिद नबवी की तोसी का मामला हुआ तो उस मौका पर इनकी ख़बर अतर दीगर सहाबी रसूल हैं उनकी भी इनकी ख़बर अतर को भी खोला गया ख़बरकुाई की गई तो देखने वालों ने देखा आज भी वो लोग मौजूद हैं अपनी आँखों से देखा कि सीद्न्ब्दी आपका जिसम मुबारका बिल्कुल सही सलामत है तरोताज़ा है ऐसे महसूस होता है जैसे आराम फरमा रहे हैं हती कि इस खबर को आलमी मीडिया और खसूस पाकिस्तान के अखबार ने भी उस मौका पर वक्त में आज भी वो कटिंग मौजूद है।, है जी तो ये आज़मत और शान है सैद्बल् रज़ी नबी करीमल वाल के वाल गिरामी की जी नाजरीन नाइन न्यूज़ चैनल की जानिब से स्पेशल शाह ट्रांसमिशन और आज अठारह रमजान रमज़ानमबारक सैद अब्दुल्लह रज़ी के खूबसूरत तजकार पाक जो हैं तो आपकी खिदमत में पेश किए गए आखिर में मैं अपने मेहमान जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब से मुलतम हूँ कि आप दुआ फरमा दें अल्लाह वसल्लम अल्लाव वसलम मुबारिक सईदिन मौलाना महमद मुबारिक वसम अल्लाह करीम हमारी आज की इस कीठारह रमज़ानमबारक की नशिश को कबूल फरमा अल्लाह करीम नबी पाक का सदक़ा माह मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ मौला अख्तितम की तरफ गामजन है परवरदिगार इस पर मौला इसके फजल से इसकी रहमतों से हम सबको माला माल फरमा या रबलम हमारे वालदे हमारे आबाव अजदाद और तमाम शुदगान की बख्शिश मफ़रत फरमा तमाम शुदगान के दराजात में बुलंदी ता फरमा यारबलमी ला नबी पाक साहिब सल्हलम की सीरत तय्यबा की रोशनी में या अल्लाह हम सब को ज़िंदगी बसर करने की तोफ़ी तरमा दुनिया भर में जहाँ कहीं बीमार हैं हॉस्पिटलाइज़ हैं मजबूर हैं लाचार हैं नादार हैं बेबस हैं मौला सब की दस्तगे सबकी हाजत रवाई और सबकी मुश्किल कुशाई फरमा मेरे मालिक हमें अपनी बंदगी में कबूल फ़रमा ले गुनाहों से बचने और नकियाँ करने की तोफ़ी तरमा सल्ला तेर खल के मोहम्मद ही वीजु जी नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और आखिर में इस दुआ के साथ कि आज की यह अजीम हस्ती जिनके आज तस्कार पाक हुए अल्लाह सुनान व इन हस्ती के तसद्दुक से तमाम आलम इस्लाम को सर सरबुलंदियाँ ताफ़रमाए आपने मेज़बान मोहम्मद लकमान रज़ा हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए आखिर में एक कलाम आपकी समातों की नज़र करते हैं अल्लाह नगेबान अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका हबीब अल्लाह हुजूर में री तो सरी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था मेरा करा से है हुजूर में तो सारी कहाँ ये हाजरी का सब बार बार आप से है हुजूर में री तो सारी प्यार आप से है ये जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर में री तो सारी महा तो का सिलाए से देता है मोहब्बतों का सिलाए से को ता है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर में री तो सारी मैं इस यकीन سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ का दारो मदार आप से है मैं बेकरार मेरा करार आप से है हुजूर में री तो सारी बाहर आप से है